करो भैया, बोर हो रहे हैं, क्या करोगे? अरे रेलगाड़ी रोको। तो दूसरा लड़का बोला, दिखाई नहीं दे रहा है क्या लिखा है, चलती हुई रेलगाड़ी रोकोगे या तो जुर्माना या फिर सजा। अरे भैया जुर्माना भर देंगे, 20-25 लड़के हैं, जुर्माना भर देंगे, रेलगाड़ी रोको। तो लड़का बोले, भैया जुर्माना भरने के लिए पहले पैसा ठक्को कर लो, तब जंजीर खींचे। तो 20-25 लड़के थे, किसी ने 100 दिए, किसी ने 200, 2000 रुपए कर लिए। अब उन लड़कों में जो एक प्रमुख लड़का था, उसी के जेब में 2000 रुपए डाल दिए ऊपरी जेब में। कहा, भैया अब रेलगाड़ी रोको, जंजीर खींचो, बड़ा मजा आएगा, अब बुड्ढे का नाम रख देंगे, फिर बुड्ढा रोएगा तो बड़ा मजा आएगा। बूढ़े बाबा बोले, लल्ला लल्ला, जब बुढ़ापे में मेरो काय नाम बदनाम करियो, बेटा हमें छोड़ दे। नहीं भैया, रेलगाड़ी रोको, बड़ा मजा आएगा, बुढ़ा रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, बुढ़ा का नाम रखेंगे। तो लड़के नहीं खेल के जंजीर खींच दी, रेलगाड़ी रुक गई। रेलगाड़ी जब रुकी, टीटी आ गया, कहा ये रेलगाड़ी किसने रोकी? बूढ़े कछ बोल पाते हैं, तब तक भी नौजवान लड़का बोले, इस बुढ़े ने रोकी। टीटी ने कहा, बूढ़े तुमने ये रेलगाड़ी क्यों रोकी? बूढ़े बाबा बोले, लला रोकी का हमें रोकन पड़ी। रोकन पड़ी क्यों? तास रोकन पड़ी लला, जब डब्बा में कहा तो बड़ी बूढ़े बैठे, जे 20-25 नौजवान लड़का और हमारी जेब में 2000 रुपया थे, सिने छिनाए ले। टीटी ने झारा लिया, देखा तो लड़कों ने जुर्माना भरने के लिए 2000 रुपए ठक्के किए थे, टीटी ने निकाल कर बूढ़े को पकड़ा दिए। अब आगे स्टेशन पर चल करके रेलगाड़ी रुकी, लड़कों ने चलती ही रेलगाड़ी रोकी। अब उनको भैया सजा होगी, टीटी लेकर के चलने लगा। बूढ़े बाबा 2000 रुपया ले जेब में डाले, घर की ओर चले। लड़की आंखें निकालने लगे, कहने लगे, बुढ़े तूने मेरे 2000 रुपए ले लिए। बूढ़े बाबा ने अपने मूछन पे हाथ फेरा और सर पे हाथ फेरा, कि लला हमारे जो मूछन के बाल सब सब और सिर के बाल जो धूप में सफेद ना है भाई, जो उम्र के हिसाब से सफेद भाई, जो तुम मेरे संग में गेम खेल रहे हो ना, जो सब हमने खेल के बुलाई दे। तो भैया कभी बड़े बूढ़े को मत सताओ, बड़े बूढ़े को साथ लेकर चलोगे कभी धोखा नहीं खाओगे। एक भैया की शादी रहे, तो बारात जब चली तो लड़की के बाप ने संदेशा भेजवा दिया, बिटिया का विवाह में करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन बारात में बुढ़ा नहीं आना चाहिए। अब तो लड़का बहुत खुश, सब जींस पैंट वाले थे, तो बुढ़न को तो कोई काम ही ना, लड़का बहुत खुश, हवा में फर फर उड़े। बारात जब चली तो लड़के का नाना आया, बोला बारात को तो भैया मैं भी चलूंगा। लड़कों ने कहा तुम्हें मालूम नहीं है, लड़की के बाप ने कहा कि बारात में एक भी बुढ़ा नहीं आना चाहिए, तुम क्या करोगे? बूढ़े ने कहा सुनो, मैं हूँ लड़के का नाना, बारात को मैं जरूर चलूंगा। लड़कन ने की भैया जी नाना नहीं माने, बुलाए ले चलो। अरे लड़की के पिता ने जान लिया तो विवाह नहीं होगा, बुढ़ा आया है, ऐसा करो डिग्गी की में डाल लो कहीं, तो जहाँ सामान रखते हैं ना, लड़के की बारा जाती है, चढ़ाव जाते है, जेवर जाते है, तो बड़ी बूढ़ी कुमा बिठाल देते, भैया जा तुम्हें सौंप दो, जाके रखवाली तुम्हारी है, तो जहाँ सामान रखो वही बूढ़े को बैठा लो नाना को। बारात जब आई, बारात का स्वागत किया गया,
लड़की के पिता ने कहा कि मैं बिटिया का विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन शर्त एक है, हमारे गांव की किनारी नहर है और नहर में पानी की जगह दूध भरवा दो और उस दूध में मिलावट बिल्कुल ना हो, प्योर दूध होना चाहिए। अब लड़का नहीं खेल के कितने दिमाग लगा लिए, लगा लगे दिमाग, भैया जो नहर को पानी इतना पानी है, फिर दूध और दूध में मिलावट कतईनो प्योर दूध कहाँ से लयो भैया, तो अब जो है ना पे भैया शादी कैंसिल। जब बारात लौटने के लिए चली तो भैया जब बारात लौट रही है शादी हो गएगी ना, तो नाना को काहे गर्मी में मार डाल रहे हैं, अरे उन्हें तो डिग्गी में से बाहर निकाल लो। लड़का बोले नाना बाहर आ जाओ, शादी कैंसिल। शादी कैंसिल क्यों? अरे वो नाना लड़की के बाप ने शर्त रख दी है कि वो ये नहर है ना, कह रही नहर में पानी की जगह दूध भरवा दो और दूध में मिलावट ना हो, प्योर दूध होना चाहिए, इसलिए अभी हो नहीं पाएगा शादी कैंसिल, नाना चलो घर। नाना ने कहा रे मूर्खो, छोटी छोटी बात पर कहीं बारात लौटती है, यदि लड़की के पिता ने कहा कि नहर में दूध भरवा दो वो भी प्योर दूध, तो जाओ मेरी तरफ से लड़की के बाप को संदेशा भेजवा दो, प्योर दूध मैं भरवा दूंगा लेकिन नहर का पानी तुम खाली करवा दो, प्योर दूध मैं भरवाऊंगा। लड़की के बाप ने जब इतनी बात सुनी तो कहा जाओ और ढंग से देखना, जरूर बारात में कोई बुड्ढा आया है। बोली गोविंद भगवान की। तो भैया भी नाना न जाती तो बारात लौटी आती, नाना गए तो शादी हो के आई। तो सत्य है बड़े बूढ़े का सहारा लोगे, बड़े बूढ़े को साथ लेकर चलोगे, जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे। बोली गोविंद भगवान की। बोली भक्तर भगवान की। प्यारे भक्तों तो आजू महाराज ने सोचा हमारी शरीर के बालों सफेद हो रहे हैं, जब मुझ पर बुढ़ापा ही आ रहा है तो क्यों ना मैं बेटा अपने राम को अयोध्या का राजा बना दूं, राज्य का अभिषेक कर दूं, राज अभिषेक हो जाएगा राम का तो मेरी सारी चिंता दूर हो जाएगी। महाराज ने अयोध्या में ढिंढोरा पिटवा दिया। कल ये राजा दशरथ अपने बेटा राम को अयोध्या का राजा बनाएगा, कल राम का राज्य अभिषेक होगा। अयोध्या की नर नारी बहुत खुश होगी, लेकिन प्रभु राम को बड़ी चिंता हुई। राम ने सोचा मैं राजा बन जाऊंगा तो मैं वन में नहीं जा पाऊंगा, और मैंने अवतार लिया है तो राज्य करने के लिए नहीं, राजा बनने के लिए नहीं, मैंने रावण जैसे राक्षसों को मारने के लिए अवतार लिया है, मैं राजा बन जाऊंगा वन में जा नहीं पाऊंगा तो फिर तो मेरा अवतार लेना ही बेकार है, जब रावण को नहीं मार पाऊंगा तो अवतार लेना ही बेकार हो जाएगा। तो राम ने माया का सहारा लिया और मंत्रा की मति का हरण किया। अब मंथरा दौड़ी दौड़ी माता कैकेयी के पास में आई। मंथरा कैकेयी की प्रिय दासी है। मंथरा ने कहा महारानी कैकेयी, अरे तुमने सुना है किस अयोध्या में हो क्या रहा है? क्या? अरे महाराज कल राम को राजा बनाने जा रहे हैं। केकी मैया और खुश हो गई, बेटा राम राजा बन जाएगा।
मंत्रानी कहा महारानी तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? राम राजा बनेगा तो तुम खुश क्यों हो? अरे खुश तो माँ कौशल्या को होना चाहिए। तुम तो ऐसे खुश हो रही हो मानो तुम्हारा बेटा ही भरत राजा बन रहा हो। केकई ने कहा ऐ मंत्रा, दासी है तो दासी की ही जगह पर रहे, रानियों जैसी बोल मत बोलना। अरे जितना प्रेम बेटा राम मुझे करता है इतना प्रेम वो अपनी माँ कौशल्या को भी नहीं करता है, और मैं भी अपने बेटा राम को बहुत प्रेम करती हूँ। मंत्रानी का महारानी, राम आपको प्रेम करता है मैं मानती हूँ, लेकिन जब राम राजा बन जाएगा तो राज की राज माता तो कौशल्या ही बनेगी। अरे महारानी तुम दासी बन करके रह जाओगी, अभी भी अवसर है, संभालो अपने आप को। महाराज पर आपकी दो वरदान धरोहर है, वो मांगने का अवसर आ गया, महारानी मांग लो। राम राजा बन जाएगा फिर तुम्हारे पास दासी बनने के सिवाय कुछ नहीं रहेगा, फिर पछताने के सिवाय कुछ बचेगा भी नहीं। महारानी मैं तुम्हारी दासी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात कह रही हूँ। तो केकई को लगा कि मंत्रा बिल्कुल सही कह रही है कि राम राजा बन गया तो मैं दासी बन करके रह जाऊंगी। तो प्यारे भक्तों आज इधर मेरे भगवत प्रेमी हो, महारानी कहने लगी मंत्रा तू बिल्कुल सही कह रही है, तू दासी तो जरूर है पर तेरी मति तेरी बुद्धि बहुत तेज है। अब ये बता कि मुझे करना क्या चाहिए? अरे महारानी, महाराज पर आपकी दो वरदानों धरोहर है, उधार है, अब मांगने का अवसर आ गया। पहली वरदान में तुम भरत के लिए अयोध्या का राज मांग लेना, और दूसरी वरदान में राम के लिए वनवास मांग लेना। महारानी केकई कोप भवन में जाकर के लेट गई। महाराज को पता चला तो महाराज आए, कहने लगे महारानी तुम्हारी खुशी के कारण मैं राम को राजा बना रहा हूँ, और ऐसी खुशी के अवसर पर केकई तुम कोप भवन में नाराज क्यों पड़ी हो? चलो श्रृंगार बनाओ, वस्त्र आभूषण पहनो, क्या तुम्हें उन खुशियों में शामिल नहीं होना है? केकई ने कहा महाराज हमने सुना है राम राजा बनने के लिए जा रहा है, तो आपकी प्रजा ने आपसे जो मांगा आपने वही दे दिया। हाँ महारानी बिल्कुल सही सुना। अरे महाराज ऐसी खुशी के अवसर पर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप मुझे कुछ नहीं दोगे? महाराज दशरथ ने कहा ऐसे खुशी के अवसर पर के कई तुम मेरे प्राणों को मांगोगी तो मैं खुशी खुशी अपने प्राण भी तुम्हें दे दूंगा। मांग ली महारानी। अच्छा प्यारी भैयाओं मैयाओं आपको मालूम है कि केकई ने राम के लिए जो वनवास मांगा तो केकई ने राम के लिए वनवास क्यों मांगा है? भैया
मैं बता रही हूँ क्यों मांगा है, क्योंकि ये कथा अथा है, पूर्ण ज्ञान किसी को नहीं है। जो मुझे मालूम शायद आपको नहीं मालूम होगा, आपको मालूम होगा वो मुझे नहीं मालूम होगा। एक दूसरे को बताती तभी ज्ञान आगे बढ़ता है, और ज्ञान बांटने से ही ज्ञान और बढ़ता है। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चार भाई हैं, और ये चारों भाई छोटे छोटे थे, आंगन में आपस में खेल रहे थे। माता के कई आंगन में गुमसुम बैठी ही थी चुपचाप। तो राम ने देखा कि मेरी मैया के कई बड़ी शांति स्वभाव से बैठी हैं। तो राम धीरे धीरे चुपके से आए और आकर आंखों को पीछे से बंद कर लिया और कहा, मैया मैया ये बता मैं कौन हूँ। तो केकई ने कहा, तू लक्ष्मण है। नहीं मैया, और सोच करके बताओ मैं कौन हूँ। केकई ने सोचा, मेरा राम बहुत सीधा है, भोला भाला है, वो ये काम करेगा नहीं। तो बेटा तू भरत है। राम ने आंखों को खोला, कहा, मैया मैं तुम्हारा बेटा राम हूँ। अरे मैया, केकई ने बेटा राम को गोद में बिठा लिया। लाला मैंने कभी ये सोचा भी नहीं कि मेरा राम भी ऐसा कर सकता है। लाला आज तो मैं बहुत खुश हो गई। राम ने कहा, माँ देखो आज तुम हार गई और मैं जीत गया। मैया केकई बोली, लाला सच कहो तो आज तूने मुझे बहुत खुश कर दिया। बेटा जब बेटा जीतते हैं और माँ को हराते हैं, बेटा आगे बढ़ते माँ हार जाती है, उस दिन माँ को बहुत खुशी होती है। बेटा आज मैं इतनी खुश हूँ, लाला तू हमसे वरदान मांग ले, जो वरदान मांगेगा हम वही दे देंगे। मांग मेरे लाल, मांग मेरे पुत्र, बोल तुझे क्या चाहिए। तो राम ने कहा, माँ मैं जो मांगूंगा आप मुझे दे दोगी। हाँ लल्ला, मांग ले मैं दे दूंगी। तू मेरा प्राण है, प्राण है मेरे पुत्र, तू हमसे मांग ले। तो राम ने कहा, माँ देख मैं मांग रहा हूँ, अभी नहीं चाहिए। माँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, खूब बड़ा हो जाऊंगा, बहुत बड़ा हो जाऊंगा। छोटे छोटे बच्चे ऐसी बात करते हैं माँ से, मैयारी जब मैं खूब बड़ा हो जाऊंगा, जब ना फिर पिताजी मुझे राजा बनाएंगे। माँ जब पिता मुझे राजा बनाए तो माँ ये काम तू कर सकती, मुझे राजा मत बनने देना। मैया मुझे राज नहीं चाहिए, मैं राजा नहीं बनूंगा। माँ जब पिता मुझे राजा बनाए तो तुम ना मेरे लिए वनवास मांग लेना। मैया माँ तू मुझे अयोध्या का राजा मत बनाना, तू मुझे वन का राजा बनाना। मैया तू मेरे लिए वनवास मांग लेना। इन वचनों को सुनकर माता केकई रोने लगी। मैया केकई की आंखों में आंसू भर आए और आंखों से जब आंसू टपकने लगे, राम अपनी माँ की गोद में बैठी थी, राम के ऊपर जब आंसू टपके, पलकों को उठा करके प्रभु राम ने ऊपर देखा कि मेरी माँ केकई रो रही है। राम बोले, मैया क्या मैंने कुछ गलत कह दिया और तुम्हें बुरा लगा जो मैया तुम रोने लगी। क्यों रो रही हो माँ? माता केकई ने राम को अपने हृदय से सीने से लगा लिया और मैया रो करके बोली, लाला मालूम है कि आज तूने जब अपनी मैया से मांगा तो मांगा क्या? जब तुम्हारा राज तिलक होगा
और मैं तुम्हारे लिए वनवास मांगूंगी बेटा, वनवास मांगूंगी तो तुम्हारी अभागिनी माँ दुनिया की नजरों से गिर जाएगी। लोग यही कहेंगे के कई माँ बहुत खराब थी जो प्रभु राम को वनवास दे दिया। और मेरे लाल, मैंने तेरे लिए यदि वनवास मांगा तो मेरे बेटा मुझे विधवा रूप धारण करना पड़ेगा, मैं विधवा हो जाऊंगी। लाला तूने मांगा तो क्या मांगा, फिर भी कोई बात नहीं बेटा, यदि मेरा बेटा बन जाने में ही खुश है तो बेटे की खुशी के लिए माँ क्या नहीं कर सकती है। मैं अपनी बेटा की खुशी के लिए दुनिया की नजरों से गिरने के लिए तैयार हूँ, मैं बेटा राम की खुशी के लिए विधवा रूप भी धारण करने के लिए तैयार हूँ। लोग माता केकई को बुरा कहते जरूर हैं, कहते वही हैं जो मैया केकई के बारे में जानते नहीं हैं। अरे राम को प्यार करने वाली माँ थी तो केकई थी, केकई जैसी माँ प्रेम करने वाली तो संसार में हो नहीं सकती है। आज राम की खुशी के लिए मैया ने 16 श्रृंगार त्याग दिया। बहुत सुंदर भजन पंडित जी सुनाएंगे, और इससे पहले भगवान की भक्त दक्षिणा भेंट कर रहे हैं। 20 रुपए चेतराम वर्मा जी पूर्वी मुसरपुर, 20 रुपए विजयपाल सागर पश्चिमी मुसरपुर,